हेलो दोस्तों, मैं हूँ NIA BMS का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कि जैसा कि मैंने UPIS काउंसलिंग 2020 के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बात की थी कि कितनी जो है रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहेगी, सिक्योरिटी मनी कितनी है और उसका जो डिटेल शेड्यूल है वो क्या है, उसके बारे में बात की थी। और कुछ पार्ट जो था वो छूट गया था और मैंने बोला था इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। तो यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार ही जरूर से देख ले। उसका मैंने जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ टोटल IAS कॉलेज कितनी है यूपी में, और जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस क्या है, और कौन कौन से जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाने हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे जो रिक्वायर्ड होंगे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितने रहने वाली है, और जो टोटल सीट्स हैं कॉलेज में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वो कितनी है। तो इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए वीडियो के एंड तक बने रहे। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये UPIS काउंसलिंग के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसके कुछ पार्ट के बारे में हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, और यदि आपने इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको एक बार आप जरूर से देख लेना। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर लिया था कि इसका जो डिटेल शेड्यूल है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, और सिक्योरिटी जो मनी है वो कितनी है, और जो मॉपअप राउंड्स हैं उसके रूल्स जो हैं वो क्या हैं, और रिजर्वेशन, तो इन सब के बारे में जो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। ओके दोस्तों, तो उसको एक बार आप जरूर से देख लेना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे, उन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, और जो टोटल कॉलेज है वो कितनी है, और प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस कितनी है, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाने हैं। तो जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट दे रखा है जो आपको बनाना है, और उसके बाद में यहाँ पर दे भी रखा है कि कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो OBC में आते हैं। तो इन कैंडिडेट को जो है ये सर्टिफिकेट बनाना है, और उसके बाद में जो UPSC और ST कैटेगरी है उनके लिए भी सर्टिफिकेट दे रखा है, ये भी SC ST स्टूडेंट को बनाने हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पर ST कैंडिडेट कौन कौन से हैं SC ST उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसको आप एक बार ज़रूर से देख लेना। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट IAS कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज के बारे में, कि कितनी कॉलेज है और उन कॉलेज में कितनी सीट है और उनमें जो है कितनी फीस है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। हेलो दोस्तों, तो ये है यूपी की गवर्नमेंट कॉलेज जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके दोस्तों, तो ये मान्यता प्राप्त कॉलेज की लिस्ट है। ओके दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है और इनमें कितनी जो सीट्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलेज है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बांदा, जिसमें 75 सीट है। SRM राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बरेली, इसमें भी 75 सीट है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय पीलीभीत, इसमें 63 सीट्स है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय वाराणसी, इसमें 75 सीट है। और बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी, इसमें 50 सीट है। और LBS राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय प्रयागराज, इसमें भी 75 सीट है। ओके दोस्तों, उसके बाद देख सकते हो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय लखनऊ, इसमें 75 सीट्स है। और SKD राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय मुजफ्फरनगर, इसमें 75 सीट है। तो टोटल यहाँ पर BMS की जो सीट्स हैं वो देख सकते हो 563 सीट है। ओके दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो टोटल BMS की सीट जो है वो कितनी है। उसके बाद में यूनानी कॉलेज की बात करें तो दो ही यूनानी कॉलेज है, एक राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज जिसमें 75 सीट्स है, और एक राजकीय तकमील
कॉलेज जो लखनऊ में, इसमें भी 75 सीट है, तो टोटल यूनानी की जो सीट्स है वो 150 है यहाँ पर। ओके, उसके बाद होम्योपैथी कॉलेज देख सकते हो यहाँ से, गवर्नमेंट आप राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में, इसमें 125 सीट्स है। राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, इसमें भी 125 सीट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसमें भी 125 सीट है। राजकीय KGK होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, इसमें भी 125 सीट है मुरादाबाद। ओके दोस्तों, उसके बाद राजकीय गाजीपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, इसमें 63 सीट है। और राजकीय डॉक्टर ब्रज किशोर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, इसमें 38 सीट है। और राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय गोरखपुर, इसमें 125 सीट्स है। उसके बाद राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, इसमें 125 सीट है। और राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय अलीगढ़, इसमें भी 125 सीट है। और टोटल होम्योपैथी की जो सीट है वो है 976। ओके दोस्तों, तो ये है टोटल सीट्स होम्योपैथी की। तो यहाँ से देख सकते हो BMS की गवर्नमेंट की टोटल सीट है 563, यूनानी की 150 है, और होम्योपैथी की जो है वो 976 है। ओके दोस्तों, तो ये तो थी गवर्नमेंट कॉलेज, BMS और यूनानी एंड होम्योपैथिक। अब देखते हैं प्राइवेट कॉलेज और उनकी जो फीस है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है प्राइवेट कॉलेज जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इसमें से सबसे पहले कॉलेज आ जाती है GS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NH, जो कि हापुड़ में है। इसमें 100 सीट है और इसकी जो फीस है वो 2,59,700 है। उसके बाद में जो एक कॉलेज आता है गाजीपुर में है, इसमें 60 सीट है और इसकी जो फीस है वो 3 लाख है। और श्री कृष्णा आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल जो कि वाराणसी में, इसमें भी 60 सीट है। इसकी प्रक्रिया निधीन है, मतलब अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। और जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि चंदौली में, इसमें 54 सीट है। ओके दोस्तों, इसकी यहाँ पर फीस नहीं दे रखी। चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान जो, इसमें भी 60 सीट है और इसकी जो फीस है वो 2,59,000 है। और सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में, इसमें 100 सीट है और इसकी फीस है 2,55,700। और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये भी लखनऊ में है और इसमें 100 सीट है और इसकी जो फीस है वो 2,53,900 है। और गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो बरेली में, इसमें 100 सीट है और इसकी जो फीस है वो है 2,70,600। ओके दोस्तों, उसके बाद में कालावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो, और इसकी जो, इसमें जो सीट है वो 60 है और इसकी जो फीस है वो 2,35,700 है। और SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि वाराणसी में, इसमें टोटल सीट है 60 और अभी इसकी फीस जो है वो निर्धारित नहीं हुई। तो टोटल यहाँ पर प्राइवेट जो BMS कॉलेज है उनमें जो सीट्स हैं वो देख सकते हो यहाँ पर 754। ओके दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट BMS कॉलेज है उनकी जो सीट्स है वो है 563 और प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स है वो 754 है। ओके दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज देख सकते हो यूनानी की जामिया तिब्बा GT रोड, जिसमें 60 सीट है और इसकी जो फीस है वो 2 लाख है। और उसके बाद में देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 60 सीट है और इसकी भी फीस 2 लाख है। और उसके बाद में यूनानी मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में, इसमें 60 सीट है, इसकी फीस है 2,64,000। और डॉक्टर अब्दुल अली तिब्बा कॉलेज जो कि यह भी लखनऊ में, इसमें 50 सीट है और इसकी भी फीस 2 लाख है। और सीना तिब्बा कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आजमगढ़ में, इसमें 45 सीट है और इसकी जो फीस है वो भी 2 लाख है। ओके दोस्तों, उसके बाद में एक और कॉलेज है गाजीपुर में, इसमें 40 सीट है और इसकी जो फीस है वो है 1,98,000। और हकीम रसई यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि इसकी जो सीट है इसमें 50 सीट है और इसकी फीस जो है वो 2 लाख है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से टोटल जो प्राइवेट यूनानी कॉलेज में जो सीट देख सकते हो वो है 365। उसके बाद में होम्योपैथी की एक ही प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 100 सीट है और इसकी जो फीस है वो है 2,25,000। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनमें कितनी सीट्स हैं और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें कितनी सीट्स है और उनकी जो फीस है वो क्या है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हमने सारी कॉलेज देख ली और उनकी जो सीट्स देख ली और उनमें कितनी फीस है ये भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब देखते हैं इसकी कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। ओके दोस्तों, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की। ओके दोस्तों, तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो बीएमएस की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 560 से 570 के बीच में रहेगी। ओके दोस्तों, तो यदि जनरल कैटेगरी में हो आप तो आपके नंबर इतने आ रहे 560 से 570 के बीच में, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके मिलने के चांस है। ओके दोस्तों, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में इससे 5 नंबर या 5 नंबर ज़्यादा भी जा सकती है अगर, लेकिन आपके इतने मार्क्स हैं तो आप जो हैं वो सेफ हो। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपके जो हैं 550 से ज़्यादा नंबर है तो आप जो हैं आपको जो हैं कॉलेज मिलने के चांस है। आपको कोई सा भी बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यूपी में। और यदि आप एससी कैटेगरी से हो और आपके 420 नंबर से ज़्यादा हैं तो आपको आराम से कोई सा भी बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और यदि आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपके जो नंबर है वो 400 प्लस है तो आराम से आपको जो है कोई सा भी बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इससे 5 या 10 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन आप अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मान के चल सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर नए हो और मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, और यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मेरे साथ जो है आप जुड़ सकते हो। ओके दोस्तों, तो थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।